A very good morning to all of you. I welcome you to this session of basic thermodynamics. In yesterday's session, we have discussed about Kelvin-Planck statement of second law of thermodynamics, or this statement is also known as first statement of second law of thermodynamics. So in this statement, we talked about a heat engine performing, undergoing a cycle and producing some network output while taking some heat from a reservoir and that heat is Q1 amount, and rejecting some amount of heat to a low temperature reservoir. So the second law of the Kelvin-Planck statement says that this Q2 cannot be equal to zero, and we have seen the things that as a consequence of this, W net is always less than equal to Q1. Less than Q1, and another term we discussed was thermal efficiency. The thermal efficiency of a heat engine can never be equal to 1. It is always less than 1, even in an ideal case. So this was the second law of thermodynamics. First statement of second law of thermodynamics. So today we'll discuss about second statement of second law of thermodynamics, that is Clausius statement. ये जितने भी साइंटिस्ट के नाम है, केल्विन प्लैंक का ज्यादा रोल नहीं रहा, लेकिन केल्विन के साथ मिलकर प्लैंक ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और वहां से इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी थी कुछ. केल्विन का बहुत रोल है थर्मोडायनेमिक्स में. इन्होंने एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल दिया था, उसके बारे में बताया था. और इसके बाद जो ये साइंटिस्ट हैं क्लॉसियस, इनका बहुत ज़्यादा रोल है. इन्होंने एंट्रोपी के बारे में बहुत सारा काम इन्होंने एंट्रोपी के ऊपर किया था. सो देखते हैं क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है. देखो, जितनी भी चीज़ें होती हैं, चीज़ें प्रेजेंट होंगी बट पहले से होंगी, बट उनको ऑब्जर्व करके रिजल्ट्स लोगों के सामने रखना एक साइंटिस्ट का काम है. इन्होंने यही किया है. जो नेचर में चीज़ें हो रही थी, फिनोमिनाज हो रहे थे, उनको देखा और कुछ कंक्लूजन दिए उन्हें देखकर. सो थर्मोडायनेमिक्स इज सोली एक्सपेरिमेंटल एंड द लॉज आर एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही इन्होंने लॉज दिए हैं. टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, और इस वजह से थर्मोडायनेमिक्स कभी फेल नहीं होती, कहीं पर फेल नहीं होती. और जितने भी लॉज है थर्मोडायनेमिक्स में, सारे लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है. सो इफ यू आर वायलेटिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट मीन्स यू आर वायलेटिंग लॉज ऑफ नेचर. सो व्हाट डज क्लॉसियस स्टेटमेंट सेज, स्टेट्स नॉट सेज. सपोज ओके वी हैव टू बॉडीज, हमारे पास दो बॉडीज है, T1 और T2. T1 इज ग्रेटर देन T2. सो बाय आवर ऑब्जर्वेशन, और इट्स अ कॉमन सेंस दैट हीट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन. T1 से T2 की तरफ मूव करेगी, फ्लो करेगी. मूव का मतलब फ्लो करेगी. सो व्हाट इफ वी वांट टू स्पॉन्टेनियसली, देखो स्पॉन्टेनियसली द हीट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. दिस इज स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, अपने आप ही इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी. बट
वट इफ यू वॉन्ट टू रिवर्स द डायरेक्शन, आप रिवर्स करना चाहते हो डायरेक्शन को, रिवर्स करना चाहते हो, तो वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट, वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट। तो क्लॉसेस ने कहा ऐसा पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, बट हाउ दिस रिवर्सिंग ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम, दैट मीन्स रिवर्सिंग मीन्स फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, वी यूज टू पंप वाटर फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड। हम पानी को नीचे जमीन से ऊपर एक यहाँ पे टैंक रखा है छत में, यहाँ तक पहुँचाते हैं। ये कैसे पहुँचाना पॉसिबल होता है? आप एक पंप लगाते हो जिसकी मदद से आप इसमें कुछ वर्क इनपुट देते हो, सक्शन क्रिएट करते हो, और ये वाटर को आप यहाँ से सक करके ऊपर की तरफ पंप कर देते हो। तो अगर आपको लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड में वाटर को फ्लो कराना है, तो आपने क्या किया, कुछ वर्क इनपुट दिया, कुछ एनर्जी इनपुट दी। नीचे से ऊपर पानी कभी फ्लो नहीं करेगा, ऑलवेज इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ ही फ्लो करता है। बट आपने इस डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या किया, इसमें कुछ वर्क इनपुट दिया। सो इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इसको, ये आसान है, इसको पंप करना बहुत आसान है। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया क्योंकि आपको पता है ये वर्क, पानी को फ्लो कराना बहुत आसान है, बट इफ यू वॉन्ट टू फ्लो हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, यू हैव, वट यू हैव टू डू, यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी इनपुट, यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, वेदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट और वर्क दोनों की फॉर्म में एनर्जी इनपुट हो सकता है। बट क्लॉसेस ने कहा यू हैव टू गिव सम वर्क इनपुट। यह आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में पढ़ेंगे कि हीट भी इनपुट दिया जा सकता है एक रेफ्रिजरेटर के लिए, बट वी लीव दैट पार्ट। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट वील गो दैट क्लॉसियस सेड दैट दिस हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ यू यूज सम डिवाइस एंड गिव सम एनर्जी इनपुट टू इट। इट विल नॉट स्पॉन्टेनियसली, इट कैन नॉट अकर spontaneously, it cannot occur. You have to employ some device and give some energy input to that device, and that device will work in order to transfer heat from lower temperature to higher temperature. Okay, you getting? देखो अब कहने का मतलब क्या है, क्लॉसिस ने कहा we need a device like there was a device known as heat engine here T1, I'm sorry, this is T2 and this is T1, and you have to supply heat from here Q amount here. You want to extract heat from here and want to supply it here, but for that you need to employ a device that need some work input to operate or create a temperature difference so that you can take this heat from here and supply it to the higher temperature. So let's see. So this device, generally this device can be a refrigerator or a heat pump. This device can be a refrigerator or a heat pump. We will write it as a refrigerator, okay? We can write whether a refrigerator can be this device or a heat pump can be this device. Both have a minor difference between them. They operate on the same principle, okay? So we are considering here a refrigerator, or it can be a heat pump also.
और हीट पंप. ओके, इट कैन बी ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम. द सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज दैट दिस डिवाइस नीड सम वर्क. डब्ल्यू नेट से इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. सो इट नीड सम वर्क इनपुट, और इट नीड सम वर्क इनपुट, वर्क इनपुट इन ऑर्डर टू ऑपरेट, इन ऑर्डर टू ऑपरेट. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों के बीच में आप लोगों को एक एनालॉजी बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर हमने वाटर को सक किया, वाटर को सक किया, हमने कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया होगा जिसकी वजह से हीट, सॉरी जिसकी वजह से वाटर वाटर यहाँ से फ्लो करके यहाँ चला गया होगा. इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से यहाँ से हीट आएगी इस रेफ्रिजरेटर में, और ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा फिर इसको हायर टेम्परेचर पर भेजेगा. पहले रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, ये क्या करेगा, पहले यहाँ पर लो टेम्परेचर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर ये हीट चली जाएगी. उसके बाद रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर को हायर टेम्परेचर पर हीट सप्लाई करनी है. हीट सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हीट ट्रांसफर कभी भी तभी पॉसिबल है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर जब, सॉरी हीट ऑलवेज हीट ट्रांसफर तभी हो सकता है, हीट ट्रांसफर उस बॉडी से होगा जिसका टेम्परेचर हायर हो दूसरी बॉडी की कंपैरिजन में. तो अगर आपको यहाँ पर हीट ट्रांसफर करना है, T1 पे हीट ट्रांसफर करवाना है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका जो टेम्परेचर है T1 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हो क्या रहा है, दो चीज़ें होंगी, दो टेम्परेचर पे ऑपरेट करेगा वो रेफ्रिजरेटर, दो टेम्परेचर पे ऑपरेट करेगा, एक जो T2 से कम होगा, दूसरा जो T1 से ज़्यादा होगा. ठीक है, जो T1 से ज़्यादा होगा. रेफ्रिजरेटर में डिटेल में आप लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसके पीछे प्रिंसिपल होता है. सो जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी आप एक कंप्रेसर लगा होता है ना, उस कंप्रेसर का काम ही यही होता है, वो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है जो रेफ्रिजरेंट होता है, और जो हीट आती है आपकी वो कंडेंसर के थ्रू आप पास करवा देते हो. तो ठीक है, सो क्लॉसिस स्टेटमेंट अब क्या कहता है, क्लॉसिस स्टेटमेंट कहता है इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर यू नीड अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड नीड सम एनर्जी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नीड सम एनर्जी इनपुट. और यहाँ पर हम वर्क की फॉर्म में इसको ले रहे हैं. इसको डब्ल्यू नेट के बजाय आप डब्ल्यू इन भी लिख सकते हो, डब्ल्यू इन. ठीक है, देखो जो वर्क जो हमारा हीट इंजन था उसमें वर्क प्रोड्यूस हो रहा है और ये वर्क एब्जॉर्ब कर रहा है. तो जो वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होती है या वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होते हैं उनको काउंटर क्लॉकवाइज से डिनोट किया जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज से डिनोट किया जाता है. लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये Q1 है, सॉरी इसको Q2 लेते हैं, और जो आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया ये Q1 होगा. ठीक है, नाउ अब मैं क्लॉसेस का स्टेटमेंट जो है आपको बता देता हूँ. क्लॉसेस स्टेटमेंट ये बुक में आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्लॉसेस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट हैविंग सम एक्सटर्नल इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गया तो आप अपने हिसाब से भी स्टेटमेंट को किसी को भी समझा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जो बुक में ही लिखा है वही सही है, आपको स्टेटमेंट का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि स्टेटमेंट का मीनिंग है क्या. स्टेटमेंट आप किसी को समझा सकते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए. ठीक है, हर बुक में अलग अलग स्टेटमेंट आपको मिलेंगे. पीके नाग में देखोगे अलग स्टेटमेंट मिलेगा, सेंजल में देखोगे अलग स्टेटमेंट मिलेगा, सोनतांग एंड बोरगांगे में देखोगे तो अलग स्टेटमेंट मिलेगा. तो ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए, सॉरी मतलब मीनिंग मालूम होना चाहिए कि कहना क्या जा रहा है. ओके, सो
क्लॉसियस का स्टेटमेंट केवल ये, इफ यू वांट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर यू नीड एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट एब्जॉर्ब्स वर्क। ठीक है, आपको एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट की जरूरत पड़ने वाली है। नाउ राइटिंग एनर्जी बैलेंस, अगर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखोगे इसके लिए रेफ्रिजरेटर के लिए, तो देखो क्या होगा, Q2 प्लस W इन इज इक्वल टू Q1, ऐसा ही आएगा। आपने इसको Q2 दिया, W दिया और Q1 हो गया। ठीक है, Q1 हो गया, Q1 जो आपने हीट ट्रांसफर है वो आ गया, कर दी ट्रांसफर। सो क्लॉसियस ने क्या कहा, क्लॉसियस ने कहा दिस W इन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, W इन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स Q2 कैन नॉट बी इक्वल टू Q1, Q2 कैन नॉट बी इक्वल टू Q1, मतलब W इन जीरो नहीं है, Q2 और इसका मतलब Q2 कैन नॉट बी इक्वल टू Q1, W जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q2 प्लस W इन इज Q1, इसका मतलब तो ये हो गया। और साथ ही साथ जब मैं कह रहा हूँ W जीरो नहीं है, W इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो, W इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स Q1 इज ग्रेटर देन Q2। जो आप हीट ट्रांसफर करोगे ऊपर T1 को, जो हीट ट्रांसफर करोगे वो ग्रेटर होगी Q2 से, ग्रेटर होगी Q2 से, और किस अमाउंट से होगी, किस अमाउंट से होगी, देखो Q1 माइनस Q2 इज W इन। ठीक है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W इन, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो डिवाइस है इसका भी एक परफॉर्मेंस पैरामीटर होगा, जैसे हीट इंजन जो था उसका परफॉर्मेंस पैरामीटर था एफिशिएंसी, तो इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर है, अभी देखते हैं। परफॉर्मेंस पैरामीटर चीज़ होती है COP, अभी देखते हैं। सिंपल मान लेते हैं एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है, इसको अगर आप एफिशिएंसी का नाम देना चाहो, फिलहाल के लिए हम इसको एफिशिएंसी लिख लेते हैं। अगर आप इसकी एफिशिएंसी मेजर करना चाहते हो तो क्या होगा इसकी एफिशिएंसी, अब देखो यहाँ पर अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, हीट पंप की बात नहीं कर रहे अब हम, ठीक है, हीट पंप से भी यही काम होगा, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होगा, बट एक चीज़ होती है डिजायर्ड इफेक्ट, उसका फर्क पड़ेगा। तो अभी हीट पंप को डिसरिगार्ड कर दो, हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या था, हम यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट लें और ऊपर भेज दें। ठीक है, वट वी रिक्वायर्ड इज Q2, वी रिक्वायर्ड Q2 एंड फॉर दैट सम एनर्जी इनपुट वॉज रिक्वायर्ड, दैट इज W इन। सो आप क्या चाहते हो, आउटपुट ओवर इनपुट होता है एफिशिएंसी। ठीक है, सो आपका जो आउटपुट है, एक तरीके से आप क्या, आउटपुट क्या है, एक तरीके से आउटपुट है Q2 आपका आउटपुट। आपको क्या चाहिए, आप Q2 निकालना चाहते हैं, ये आपका आउटपुट हो गया, डिजायर्ड इफेक्ट, एक तरीके से डिजायर्ड इफेक्ट भी बोल सकते हो। जैसे आप यही तो चाहते हो कि आप Q2 को निकालो, फिलहाल मैं इसको आपके आउटपुट से कंपेयर करके एनालॉजी बना के समझा रहा हूँ, बाद में COP एक जब टर्म आएगी तो मैं आपको उसके रिस्पेक्ट में भी समझा दूंगा। तो आप चाहते क्या हो, Q2 को निकालना और ये जो इनपुट है वो क्या है, W इन की मदद से आप Q2 निकाल पा रहे हो, अब देखो W इन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, W इन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो W इन होता है, जनरली दिस W इन, जनरली बस एक साइकिल होती है हमारे पास, रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है, वेपर एब्जॉर्प्शन और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, इन जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है वो लेस देन 1 होता है, बट मोस्ट केसेस में
दिस क्यू टू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इन और दिस क्यू टू इज ग्रेटर देन क्यू वन माइनस क्यू टू. सो दिस पैरामीटर फॉर दिस एफिशिएंसी, दिस पैरामीटर फॉर रेफ्रिजरेटर कैन बी ग्रेटर देन वन, कैन बी ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा हो सकता है. बट अभी जब हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी पढ़ी थी तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, एफिशिएंसी कैन नॉट इज ऑलवेज लेस देन वन, इज ऑलवेज लेस देन वन. तो यहां पर अगर आप रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को देखोगे, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को देखोगे तो वो ग्रेटर देन वन आ रही है. इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर का जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है उसको एफिशिएंसी नाम नहीं देते हैं. इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर का जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है उसको एफिशिएंसी का नाम नहीं देते हैं, उसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, COP से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस वैसे ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके ऊपर. देखते हैं इसको. अब देखो COP को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है. अब डिजायर्ड इफेक्ट, इफेक्ट ओवर इनपुट रिक्वायर्ड. तो डिजायर्ड इफेक्ट आपका क्या है, Q2 बाय W इन, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Q2 बाय Q1 माइनस Q2. ये रेफ्रिजरेटर के लिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. अगर हीट पंप के लिए भी बता देता हूँ अभी, हीट पंप में क्या होगा, अब हीट पंप में हम क्या चाहते हैं, देखो रेफ्रिजरेटर में हम चाहते हैं कि हम इसको लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखें. रेफ्रिजरेटर में भी यही तो करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर लो मेंटेन होकर रखता है. और हीट पंप में क्या करते हैं, हम हीट पंप में हम करते हैं जो हमारा रूम है उसको गर्म करके रखना चाहते हैं, तो रूम में हम Q1 भेजना चाहते हैं. तो डिजायर्ड इफेक्ट देखो क्या है हीट पंप के लिए, COP ऑफ हीट पंप में मैं यहाँ पे लिख देखता हूँ, उसका डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा Q1 बाय W इन, और इसको आप लिख सकते हो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q1 ओवर Q1 माइनस Q2. ठीक है, तो जो क्लॉसेस का सेकंड स्टेटमेंट है, जो क्लॉसेस का सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है, सॉरी सेकंड लॉ का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है, इफ यू वांट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर यू नीड टू गिव सम एनर्जी इनपुट, यू नीड टू गिव सम एनर्जी इनपुट एंड जो एनर्जी इनपुट दोगे आपको किसी डिवाइस को देनी पड़ेगी, किस कोई ना कोई आपको डिवाइस एम्प्लॉय करना पड़ेगा. तभी ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी इनपुट. ये स्टेटमेंट आपको पीके नाग की बुक में मिल जाएगा. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस डेट प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर्स. ओके, तो अब जो बॉडी, जो डिवाइस, जो डिवाइस क्लॉसियस के स्टेटमेंट को वायलेट करेगी, जो डिवाइस सेकंड लॉ को वायलेट करती है जनरली, उसको हम बोलते हैं, मान लो आप कोई कहे कि मैंने ऐसी डिवाइस बनाई जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रही है, तो ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं है. दिस इज T1, दिस इज T2, Q एंड Q एंड हेयर W इज इक्वल टू जीरो. सो दिस काइंड ऑफ डिवाइसेज आर नोन एज परपेचुअल मोशन मशीन. परपेचुअल मोशन मशीन,
मशीन, और इसको पीएमएम बोलते हैं। देखो जो सेकंड लॉ को वायलेट करती है, जो सेकंड लॉ को वायलेट करती है उनको परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड कहा जाता है। ठीक है, सेकंड काइंड कहा जाता है। अभी फर्स्ट काइंड भी बता दूंगा, फर्स्ट काइंड भी बताऊंगा आपको। ये तो वो है जो क्लॉसेस की स्टेटमेंट को वायलेट करती है, और जो डिवाइस केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वायलेट करेगी वो डिवाइस कैसी होगी, ये क्या करेगी, एक साइकिल में ऑपरेट करती हुई दिख रही होगी आपको, ये भी एक साइकिल में ऑपरेट करेगा। अच्छा, एक साइकिल में ऑपरेट करता हुआ देखेगा, हम क्लॉकवाइज और वो तो दिखाएंगे ही नहीं क्योंकि वर्क एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है। तो ये डिवाइस क्या करेगा, T1 से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा और W प्रोड्यूस कर देगा, W प्रोड्यूस करेगा, और ये जो Q2 है, Q2 इज इक्वल टू 0। सो दिस काइंड ऑफ मशीन इज ऑल्सो PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, नाउ आई टेल यू अबाउट परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड देखो, हमने क्या कहा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, फर्स्ट लॉ को जो वायलेट करेगी वो फर्स्ट काइंड की होगी। सो फर्स्ट लॉ वॉज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो एनी डिवाइस दैट सेज दैट इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, मान लो डब्ल्यू प्रोड्यूस कर रही है एंड हेयर दी एनर्जी इनपुट क्यू इज इक्वल टू 0 एंड इट इज रेगुलरली प्रोड्यूसिंग एनर्जी, चाहे वर्क के फॉर्म में चाहे हीट की फॉर्म में, विदाउट एनी एनर्जी इनपुट इट इज प्रोड्यूसिंग रेगुलरली प्रोड्यूसिंग वर्क रेगुलरली प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग एनर्जी। सो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ जनरेटिंग मशीन, जनरेटिंग मशीन तो हो ही नहीं सकती कोई भी, आपके पास जनरेटर होता है बट दैट ऑल्सो टेक्स फ्यूल एज एन एनर्जी इनपुट बोल सकते हो आप। तो ठीक है, सो इस तरीके की मशीन जो कोई भी एनर्जी नहीं ले रही है और प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम बोलते हैं PMM1। ओके, सो द मशीन दैट वॉयलेट्स और डिवाइस दैट वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज PMM1 एंड सेकेंड लॉ आर नोन एज PMM2। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो फर्दर वील डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट दीज स्टेटमेंट्स, कंटिन्यूएशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू एंड टेक केयर।